को लेकर आज किसानों का हल्ला बोल है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक विरोध प्रदर्शन होगा। छत्तीसगढ़ में किसान और मजदूर संगठन प्रदर्शन करेंगे। किसानों और मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल को कांग्रेस का समर्थन मिला है। तो आज किसानों का हल्ला बोल, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विरोध के सुर दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ में किसान और मजदूर संगठन प्रदर्शन करेंगे। किसानों और मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। मोहन हमारे संवाददाता अधिक अपडेट्स लिए जुड़ चुके हैं। मोहन, किस तरीके का विरोध प्रदर्शन आज वहां पे देखने को मिल सकता है? देखिए, देशभर के जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संघ है, उन्होंने श्रम कानून में बदलाव और जो कृषि बिल आया है उसके खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन का ऐलान किया है। और ये चरणबद्ध आंदोलन कल भी देखे को मिला और आज बंद का ऐलान किया गया है, क्योंकि कांग्रेस उनकी मांगों को समर्थन कर रही है। इसलिए आज के प्रदर्शन को उनका समर्थन हासिल है, यानी कांग्रेस ने इस बंद को समर्थन किया है। हालांकि इसका कुछ खास छत्तीसगढ़ में असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन कृषि कानून में बदलाव, श्रम कानून में बदलाव और निजीकरण जो किया जा रहा है उसके विरोध में ट्रेड यूनियन का आज प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा, जिसे कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दे दिया है। ठीक है मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्रदर्शन देखने को मिल सकता है छत्तीसगढ़ में भी, जैसा कि मोहन हमारे संवाददाता बता रहे थे कि आज काम बंद प्रदर्शन होगा और कल से ही विरोध के सुर उठे हैं। तो आज देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस प्रदर्शन की रूपरेखा रखी गई। खबर अब रायपुर से मिल रही है, जहां धान खरीदी को लेकर आज समीक्षा बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक होगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी को लेकर यह बैठक है। सीएम भूपेश बघेल बैठक में शामिल होंगे। अपर मुख्य सचिव, सचिव खाद्य विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक, धान खरीदी को लेकर आज समीक्षा बैठक की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव, सचिव खाद्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे।